सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पेश व्लॉग 10। तो गाइस, आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा कि ये वीडियो फ्लैश इफेक्ट और स्लाइड से एक लिरिक्स एंड मैसेज चैट के ऊपर होने वाली है। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते वीडियो की तरफ। गाइज, मैंने जो वीडियो एडिट करने थे वो मैंने इसमें क्लिप ऐड कर लिया। गाइज, 3 क्लिप ऐड कर लिया, अब अपने हिसाब से ऐड कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे देखो, वॉइस को मैं कर लेता हूँ यहाँ से म्यूट, और फिर मैं गाइज एक कोई सा भी सॉन्ग सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलो, मैं वही सॉन्ग ला लेता हूँ। तो गाइज, मैंने सॉन्ग है जो सेलेक्ट कर लिया है। अब देखो, मैं सॉन्ग के हिसाब से वीडियो को रखता हूँ, इतना है तो मैं इतना ले लेता हूँ, ठीक है। गाइज, अब अपने हिसाब से कट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, जो लिरिक्स आ रही है मैं वो लिरिक्स ऐड कर रहा हूँ। वो सबसे पहले क्या वर्ड कौन सा आ रहा है, देखो, बेवफा। तो सबसे पहले बेवफा तो मैं टाइप करूँगा, बेवफा, ठीक है गाइज, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड क्या बोला वो देखना, ये भी क्या। तो मैं तीनों वर्ड ऐड कर लेता हूँ जल्दी से गाइज, ठीक है, मैंने ये ऐड कर लिया। अब देखो, सबसे पहले आपको एक इसके एडिट में जाना और इसकी साइज को सेलेक्ट कर लेना, 20, अब 20 रख लेना, ठीक है गाइस, 22 रख लेना। अब अप्लाई टू ऑल पे, कैसे आपकी सबकी सेम साइज रहेगी लिरिक्स की, ठीक है। अब आपको किस पे भी रखना है इसको, चलो मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना, मोशन ऐड करनी है इसमें। तो सबसे पहले इस लिरिक्स पे एक बार ऐड क्लिक करना है, मोशन में आना है और ये स्लाइड पहले मोशन में करना है, ठीक है। और इसमें आउट में आ रही है तो इसके डिफरेंट होने चाहिए, पिन हो रही तो आउट होने चाहिए, ठीक है। और लूप एनिमेशन में आपको सीक वाला ऐड कर लेना है, ठीक है। देखो तो ऐसे आएगी कुछ, तो इसमें भी ऐड कर लेता हूँ मैं जल्दी से, इन सब में ऐड कर लेता हूँ गाइज। तो इसमें गाइज मैंने कुछ डिफरेंट मोशन लगाया था, तो मैंने ये वाला लगाया था एंड आउट में भी ये वाला ही लगाया था, और ये वाला मैंने इसमें लगाया था गाइस। तो देखो ये कुछ इस तरह है, ठीक है। अपने मैं इमोजी ऐड भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसमें इमोजी ऐड नहीं किया, आप अपने हिसाब से कर लेना। तो मैं कोई सा भी इमोजी ले लेता हूँ जस्ट, ठीक है। लिरिक्स का कलर चेंज कर लेता हूँ, देखो। तो आपको क्या करना है, कलर में आना और ब्लैक वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये ब्लैक दिखेगा, देखो। आपको क्या करना है, अप्लाई टू ऑल करना है, तो सब ब्लैक हो जाएंगे। अब मैंने गाइस इसमें जूम इफेक्ट लगाया था, इसकी सेकंड मैंने इतनी रखी है, क्या हुआ। अब गाइस इसमें मैं इसका ऐड नहीं करूँगा गाइस, जब अभी तक जिसने मेरा इसका वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से आई बटन पे प्रेस करो और आपने इसका वाला वीडियो देखो कि क्लाउड कैसे ऐड करते हैं। तो गाइस, मैंने इसमें क्लाउड नहीं बताया, मैं सिर्फ उसमें लिरिक्स और जो कुछ टिप्स थी वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो गाइस, इतना ऐड करने के बाद वो जो फंड आ रहे थे मैसेज के, वो कैसे आ गए वो भी मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको वापस टेक्स्ट पर क्लिक करना है और ये देखो, इस पर ऑप्शन आया टाइटल टेम्पलेट, उस पर क्लिक करना है। तो इस पर देखो गाइस, बहुत से अच्छे अच्छे फीचर मिल जाएंगे आपको, जैसे कि सब टाइटल, टाइम, मार्क, बबल, मैसेजेस। तो ये गाइस टिप्स है, देखो ये मैसेजेस में कुछ से आपने ऐसे देखे होंगे, वीडियो में देखने को मिलता है ऐसे गाइस। तो आप अपने हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने जो वीडियो में बताया था मैं वो भी बता लेता हूँ, बबल में ये वाला था, मैं कोई सी भी एक लाइन लेता हूँ, मैंने कुछ भी लाइन लिख दी, आप अपने हिसाब से कोई भी लाइन लिख सकना। तो इसको मैंने यहाँ ऐड किया था। अब इसको वापस ऐसे कैसे टेक्स्ट पर क्लिक करना है, वापस इस पर आना है और वापस वही बबल वाला, ताकि देखो इसमें लुकाएगा, देखो, ठीक है, समझ गए ना आप। इसको मैं पूरा बढ़ा लेता हूँ, आप अपने हिसाब से रखना, पूरा चाहिए जितना चाहिए आपको, ठीक है। फिर देखो ये कुछ इस तरह एडिट हुआ है, एक बार मैं आपको पूरा सीख करवा देता हूँ। ठीक है गाइस, तो मैं इतना ही सेलेक्ट कर लेता हूँ।
अब गाइस जो मैंने फ्लैशबैक बताया था ब्लिशबैक वो कैसे ऐड करना है, जैसे कि देखो इस म्यूजिक में बजा क्या यहाँ पे बजा गाइस। तो या इसके क्या करना है, सबसे पहले आपको डुप्लीकेट लेयर बना लेनी है, उसको ऊपर फॉरवर्ड कर लेना, ठीक है। फिर इसके इक्वल लानी है नहीं, अब जब तो गाइज देखो मैंने ऐड किया है, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो ऐसे क्रोमा की सेलेक्ट करके। तो देखो एक बार इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। से लाइक कर दो, और अगर चैनल पे आप नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज। तो गाइज ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, अभी तक जिसने भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो गाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक दो, वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। और गाइज अभी तक चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना गाइज। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।